नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर में आज से गार्डन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है, जहां हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, बड़े अधिकारियों के बंगला एवं लोगों के घर में लगे गार्डन की जांच की जा रही है, जहां विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं जांच की शुरुआत टाटा स्टील के वीपी उत्तम सिंह के घर से हुई, जहां गार्डन में लगभग विभिन्न प्रकार के फूलों की जाँच हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा किया गया। वहीं जानकारी देते हुए हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के सदस्य कमल किशोर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 84 प्रतिभागी ने भाग लिया है, जहां 12 कैटेगरी में गार्डन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। वहीं प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग सुंदर गार्डन का मैसेज लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सुंदर गार्डन में अपनी मेहनत कर रही प्रतिभागी सुमित नूपुर का कहना है कि एक गार्डन को मेंटेन करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, जहां रोजाना हम लोग 3 से 4 घंटा अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करते हैं। इस गार्डन की खूबसूरती में हम सब की मेहनत शामिल है। जमशेदपुर में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बोल के एक संस्था है, जो हम लोग गार्डन को माने लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए और अच्छा बनाने के लोगों को इंटरेस्ट जगाने के लिए एक कंपटीशन करते हैं, जो गार्डन ऑफ द ईयर जिसका नाम से हम लोग उसको बोलते हैं। और इसमें जमशेदपुर के सभी लोगों को इन्वाइट करते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड उसमें आते हैं। इस बार भी गार्डन ऑफ द ईयर का जजिंग आज से चालू हुआ है, है ना। इसमें करीब 12 कैटेगरी है ना, और इसमें मोर देन 1000 है, बिलो 1000 है, इंडिविजुअल गार्डन है, टेरेस गार्डन है, बालकोनी गार्डन है ना। इसमें हम लोग इस तरह के करके करीब करीब 13 ग्रुप है, और 13 ग्रुप में हम लोग लोगों को इनवाइट किए हैं। 84 टोटल रिजल्ट पब्लिकली तो हम लोग कल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जज लोग अपना करके जाएंगे और अपना हमारे परसेंट को देंगे लोग, लेकिन कल शाम को हम लोग को वो लोग देंगे और वो हम लोग 2-3 दिन बाद हम लोग इसको रिजल्ट को बताएंगे। सर, योर गुड नेम? मेरा नाम कमल किशोर हुआ, हम हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेम्बर है। ऑफ द ईयर की शुरुआत हुई है, आपका मंगला देखा गया, क्या लगता है? देखिए, ये शुरुआत तो हुई है कंपटीशन की, लेकिन इसके पीछे एक गार्डनर की मेहनत, पैशन, सब कुछ दिखता है। और जो मैंने तैयारी की है वो ये सोच के नहीं किया है कि प्राइज़ मिल ही जाए, क्योंकि करते करते मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी आत्मसंतुष्टि मिली कि मैं बस सोचती हूँ कि गार्डन की तारीफ हो रही है, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। कितना मेहनत लगता है? मेहनत तो बहुत लगती है। अगर आप रोज़ 3 घंटे से 4 घंटे गार्डन को समय नहीं दे तो ये रिजल्ट नहीं दिखेगा जो आपने अभी देखा। योर गुड नेम मैम? आई एम सुमिता नूपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।